हेलो फ्रेंड्स फाउंडेशंस ऑफ आर सॉफ्टवेयर के कोर्स में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है आपको याद होगा कि पिछले लेक्चर्स में हमने सीक्वेंस के बारे में बात करना शुरू किया था और हमने यह सीखा था कि हमको अगर अपने भिन्न भिन्न प्रकार के अगर सीक्वेंस जनरेट करने हैं तो उसके लिए फ्रॉम टू बाई इत्यादि कमांड्स का इस्तेमाल करते हुए हम उनको किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं और हम किस प्रकार से उनके डिफरेंट कॉम्बिनेशंस को लेते हुए भिन्न भिन्न तरीके के सीक्वेंस को जनरेट कर सकते हैं आज भी हम इन्हीं सीक्वेंस की ही बात करेंगे लेकिन हम एक और हमारा आस्पेक्ट है सीक्वेंस का जिसके द्वारा हम अपने सीक्वेंस को जनरेट करते हैं उसके बारे में बात करेंगे आपको याद होगा कि पहले कई सारे लेक्चर्स में मैंने ये कार्य किया है कि अगर मुझे कोई ऐसा एक नंबर लिखना है वन टू थ्री फोर फाइव तो उसको हम आ, डेटा वेक्टर की जगह जैसे सी और पैरेंथिस में वन टू थ्री फोर फाइव लिखने की जगह लिख देते थे वन कोलन फाइव और हम आपसे बार बार कहते थे कि ये हमारा एक दो तीन चार पाँच की वैल्यू को जनरेट कर देगा और ये जो कमांड है इसको हम आप अप, अपने आगे आने वाले लेक्चर्स में सीखेंगे तो आज ये वह लेक्चर है जहाँ पर हम उस वन कोलन फाइव वाला जो कमांड है हम उसकी बात करने वाले हैं और उसके द्वारा हम अपने भिन्न भिन्न तरीके के जो और सीक्वेंस होते हैं उनको जनरेट कर सकते हैं और उसके अलावा हमारे जो भी सीक्वेंस से रिलेटेड कुछ और आस्पेक्ट्स होते हैं उनके बारे में हम आज बात करेंगे कि हम किस प्रकार से सीक्वेंसेस की हम इंडेक्सिंग करते हैं और हम यहाँ भी हम कई तरीके के उदाहरण लेंगे और उन उदाहरण के द्वारा हम आपको जो हमारे कमांड्स हैं उनको हम किस प्रकार से इस्तेमाल करते हैं और वो किस प्रकार से हमको आउटकम देते हैं उसकी बात करेंगे तो चलिए हम इसे लेक्चर को आरंभ करते हैं और इन इस सीक्वेंस कमांड के बारे में कुछ और सीखने की कोशिश करते हैं राइट right. तो जैसा आपने देखा था कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि हमारा सीक्वेंस क्या होता है ये हमारा सीक्वेंस हमारा नंबर इवेंट्स मूवमेंट्स या हमारे आइटम्स होते हैं उनको एक ऑर्डर में अरेंज कर देता है जिसमें कि हर एक, एक एलिमेंट अपने पीछे वाले एलिमेंट से कुछ फॉलो करता है और इस तरह के सीक्वेंस को हम आर सॉफ्टवेयर में ए सी क्यू कमान के द्वारा जनरेट करते हैं और इसमें हमारे पास हम कई सारे ऑप्शंस होते हैं और कुछ पॉपुलर हमारे जो कॉमन ऑप्शनस हैं फ्राम टू बाई इत्यादि इसके बारे में बात करनी थी और साथ ही मैंने आपको रिक्वेस्ट किया था कि आप जो उसका सीक्वेंस का हेल्प होता है एसी क्यू कमान का आप उसको अवश्य देखने की कोशिश करिएगा जिससे आपको और भी इन्फॉर्मेशन मिल जाए अब आज हम यहाँ पर एक और प्रकार का जो कमांड है उसकी बात करते हैं जैसे कि अगर आपको कोई सीक्वेंस अगर जनरेट करना हो एक से दस तक की वैल्यू तो आपने देखा है कि ये सीक्वेंस हमारा कमांड होगा सीक्वेंस फ्रॉम इक्वल टू वन टी ओ इक्वल टू टू और उसके बाद में हम इसको क्लोज कर देंगे तो ये हमको इस तरह का सीक्वेंस दे देगा इसी कमांड का हमारा एक और अल्टरनेटिव होता है कि हम यहाँ पर ऐसे ले सकते हैं वन ओलन और ये टेन राइट सो ये हमारा ओलन का साइन है सी ओ एल एन का राइट ये हमारे दो ठो बिंदु होते हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हैं तो ये हमको इस तरह का एक सीक्वेंस दे देगा एक से दस तक का एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस तो ये जो हमारा मेथड है इसके द्वारा हम कोई भी हमारा कंटिन्यूस सीक्वेंस है उसको और जहाँ पे हमारा एक एक यूनिट का इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट हो रहा है उस तरह के सीक्वेंस हम इस कमांड के द्वारा जनरेट कर सकते हैं अब आपने देखा था कि जब हम सीक्वेंस कमांड का इस्तेमाल करते हैं एस का तो उसमें से हमारा एक ऑप्शन होता है बाई और बाई को अगर हम प्लस दे देते हैं तो वो इंक्रीमेंट दिखाता है और यहाँ पे और अगर हम माइनस दे देते दे हैं दे तो ये डिक्रीमेंट दिखाता है लेकिन यहाँ पर इस वाले कमांड में हमको जो अपना फ्रॉम और टू है यहाँ से हमको इस इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट को कंट्रोल करना पड़ता है जैसे उदाहरण के लिए मैंने ये जो उदाहरण लिया एक से दस तक का यहाँ पर हमारी सारी वैल्यूज़ इंक्रीजिंग हैं इंक्रीमेंट हो रहा है लेकिन अगर हम इसी को ऐसे लिख दें टेन ओलन वन तो ये क्या होगा ये हमारा सीक्वेंस ऐसा आ जाएगा दस नौ आठ सात करके एक तक तो अब आप अगर देखिए ये जो हमारी हम वैल्यूज़ लिख रहे हैं ये कैसी वैल्यूज़ हैं हम कुछ ऐसा नहीं लिख रहे हैं सबसे पहला हम वैल्यू लिखते हैं फ्रॉम उसके बाद कोलन लगाते हैं और उसके बाद हम लिखते हैं टू टी ओ और यहाँ पे हम जो भी वैल्यू दे देंगे उसके द्वारा हमारा सीक्वेंस जनरेट हो जाता है तो अभी तो देखिए इन दोनों उदाहरणों में मैंने आपको ऐसे उदाहरण लिए जहाँ पर हमारा जो भी स्टार्टिंग पॉइंट या जो हमारा एंड पॉइंट है वो हमारा है वन अब हम आपको यहाँ पे एक और उदाहरण लेते हैं जहाँ पे हम वन के अलावा कोई भी संख्या लेते हैं जिससे आपको ये कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए कि इस प्रकार के सीक्वेंस का जो ओरिजिन है हमारा खाली वन से ही होता है तो चलिए हम देखिए यहाँ पर लिखते हैं फाइव ओलन फिफ्टीन तो फाइव आपका क्या हो गया ये आपका फ्रॉम हो गया और फिफ्टीन आपका क्या हो गया ये आपको हो गया टू तो ये देखिए जो आपका कमांड है ये आपका पाँच से शुरू करेगा पाँच छः सात आठ और ये पंद्रह तक आ जाएगा तो पंद्रह इस पंद्रह को डिफ़ाइन करेगा और ये जो पाँच है ये इस पाँच को दिखा रहा है और उसी प्रकार से आप अगर इसको फिफ्टीन ओलन फाइव कर देंगे तो ये हमारा पंद्रह से शुरू करेगा और ये हमारा देखिए पाँच में में आ करके ख़त्म हो जाएगा और इसके बीच का जो डिक्रीमेंट हो रहा है एक एक यूनिट हो रहा है पंद्रह से चौदह चौदह से तेरह तेरह से बारह इत्यादि तो आपने देखा कि इस तरह के आपके कोई भी अगर सीक्वेंस होंगे तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं साथ ही आपको इन दो उदाहरण को या जो जो उदाहरण हमने यहाँ पे लिए हैं उसको देख करके ऐसा तो नहीं लग रहा है कि यहाँ पे खाली अगर हम पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो कभी ये कार्य करेगा तो इस बात को देखने के लिए हम आपको यहाँ पे कुछ और उदाहरण लेते हैं और हम यहाँ पे जो हमने फ्रॉम और टू की वैल्यू ली हुई है उसको हम माइनस में लेते हैं तो देखिए मैंने यहाँ पे लिया फ्रॉम जो हमारा है माइनस वन और यहाँ पे लिया है टू माइनस टेन और इसको मैंने ऐसे लिख दिया माइनस वन कोलन माइनस टेन तो देखिए ये हमारा कुछ सीक्वेंस माइनस वन से आरंभ हो जाएगा और फिर ये माइनस वन माइनस दो करता हुआ माइनस दस तक आ जाएगा और इसी चीज़ को अगर हम ऐसे लिख दें माइनस दस कोलन माइनस वन तो ये सीक्वेंस हमारा माइनस दस से आरंभ हो जाएगा और ये माइनस वन पर आके ख़त्म हो जाएगा तो ये देखिए आपको आउटकम माइनस दस माइनस नौ माइनस आठ माइनस सात करके आपको माइनस वन तक मिल जाएगा अब इसके बाद हम आपको यहाँ पे कोई एक जो बीस की वैल्यूज़ हैं उनको भी ले करके दिखाना चाहेंगे कि अगर हम बीच की कोई निगेटिव वैल्यूज़ भी लेते हैं तो भी ये काम काम करता है ये तो देखिए आपने यहाँ पर लिखा माइनस फाइव कोलन माइनस फिफ्टीन अर्थात माइनस फाइव से आरंभ करो उसके बाद माइनस छः माइनस सात माइनस आठ इत्यादि करते हुए ये आपको माइनस फिफ्टीन तक ये वैल्यू ले आया अब इसके बाद में इसी को हम इनकी जो वैल्यूज़ को बदल देते हैं तो जो पहली वैल्यू मैंने कर दी माइनस फिफ्टीन मतलब कि यहाँ से माइनस फिफ्टीन से हमारा सीक्वेंस शुरू होगा फिर कोलन उसके बाद में माइनस पाँच तो देखिए क्या हो गया माइनस फिफ्टीन इसके बाद माइनस फोर्टीन माइनस थर्टीन माइनस ट्वेल्व अब तो ही करके ये माइनस फाइव तक आ गया तो आपने देखा कि ये जो हमारे सीक्वेंस हैं इनको जनरेट करना बहुत ही आसान काम है चलिए हम आपको पहले आर सॉफ्टवेयर में इनको करके दिखा देते हैं जिससे कि आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि ये किस प्रकार से हमारा कार्य करेगा तो जैसे देखिए मैंने यहाँ पर ले लिया वन टू टेन वन कोलन टेन और इसने आपको यहाँ पे दे दिया सीक्वेंस वन से टेन तक की वैल्यूज़ का उसके बाद में आपने इसको कर लिया टेन टू वन तो इसने आपको देखिए दस से लेकर के एक तक की वैल्यूज़ दे दी इसके बाद में अब आपने मान लीजिए कोई वैल्यू ले ली इनिशियल वैल्यू ले ली पाँच अर्थात आपका सीक्वेंस पाँच से शुरू होगा और सपोज़ बीस तक जाएगा तो इसने आपको देखिए पाँच लेकर के बीस तक सारी वैल्यूज़ दे दी अब इसी चीज़ को आप अगर इस सीक्वेंस को आरंभ करते हैं बीस से और पाँच पे ख़त्म करते हैं करना चाहते हैं तो देखिए बीस से पाँच तक का आ जाएगा बीस उन्नीस अट्ठारह अपर पाँच राइट अब इसी में अगर आप इसको मान लीजिए कि आप अगर निगेटिव भी करना चाहते हैं तो भी करके देखते हैं क्या होता है जैसे मैंने कह दिया माइनस वन से माइनस टेन तो इसने आपको देखिए वैल्यू दे दी माइनस वन से लेकर के टेन तक ही दे दी अगर आपने इसको लिया और अगर आप माइनस को भी अगर आप ये टेन को भी माइनस करना चाहते हैं तो आप कर दीजिए माइनस वन टू माइनस टेन तो इसने आपको माइनस वन से लेकर के माइनस टेन तक की वैल्यू दे दी राइट right. और इसी में आप अगर इसको टेन टू माइनस वन अगर देना चाहते हैं तो देखिए आपने दे दिया तो ये दस से आरम्भ होगा और ये माइनस वन तक आ जाएगा और अगर इसी को आप अगर माइनस दस से माइनस एक तक आना चाहते हैं तो आपने लिख दिया माइनस दस वलन माइनस वन तो देखिए इसने आपको इस तरह की वैल्यू दे दी तो इसमें तरह से आप अगर कोई भी वैल्यू अगर यहाँ पर लेंगे तो आपको ये जो भी आपको सीक्वेंस है ये दे देगा और देखिए ये इन्हीं चीज़ों का जो आपको हमने उदाहरण लिए हैं ये उसका स्क्रीन भी है ओके okay, अब यहाँ पर हमने देखिए जो भी संख्याएँ ली हैं इसके अंदर हमने खाली इंटीजर लिए हुए हैं तो इससे कभी कभी आ, आपके दिमाग में ऐसा ना आए कि हम यहाँ पे खाली इंटीजर के लिए हमारा ये कमांड कार्य करेगा उसके लिए हम यहाँ पे कुछ हम फ्रैक्शन वैल्यूज़ भी लेते हैं राइट जैसे कि देखिए मैंने यहाँ पे लिखा वन से टेन लेकिन हम जब भी इस तरह का कार्य कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर एक बात का बहुत ध्यान देना है कि यह सीक्वेंस हमारा किस पॉइंट पे ख़त्म हो रहा है इसका क्या मतलब है चलिए हमको इस उदाहरण के द्वारा करके दिखाते हैं और उसको समझाने की कोशिश करते हैं तो आप ये कह रहे हो कि यह सीक्वेंस आपका वन से आरम्भ हो और टेन पे ख़त्म हो जाए तो आपने कमाल लिख दिया वन पॉइंट टू थ्री टेन अब देखिए ये आरंभ होगा 1.23 से और उसमें से एक एक यूनिट का इंक्रीमेंट होता जाएगा 1.23 से 2.23 2.23 से 3.23 पॉइंट टू थ्री करता करता ये आपका 7.23 पर आएगा फिर 8.23 पर आएगा फिर ये 9.23 पॉइंट पर आएगा और उसके बाद इसको 10.23 पर जाना चाहिए लेकिन ये जो वैल्यू आपने दी है यहाँ पर 10 ये उससे 10.23 को कंपेयर करेगा तो आपने वैल्यू दिया है कि आपका सीक्वेंस 10 के आगे नहीं जाना चाहिए लेकिन जो यहाँ पर 9.23 के आगे अगली वैल्यू आ रही है वह 10 से बड़ी हो रही है तो यह प्रोग्राम यहीं पर रुक जाएगा और जो अंतिम वैल्यू होगी वह जो आपने 2 में वैल्यू दी हुई है वो उससे छोटी या बराबर होगी तो यह बात आपको ध्यान में रखना है तो चलिए हम एक और यहाँ पर उदाहरण लेते हैं और इस उदाहरण में हमने यहाँ पे लिया है 1.23 पॉइंट टू थ्री ओलन टेन अर्थात ये सीक्वेंस हमारा 1.23 से स्टार्ट होगा और ये 10.54 तक आएगा अब देखते हैं कि ये कार्य कैसे करता है तो ये 1.23 से स्टार्ट किया 1.23 से 2.23 आया 2.23 से 3.23 आया और करते करते ये आपका 9.23 पर आ गया और 9.23 से ये 10.23 पर आ गया और 10.23 के बाद ये 11.23 पर जाएगा लेकिन जो आपने यहाँ पे अंतिम वैल्यू दी है जहाँ तक सीक्वेंस जाना है ये है 10.54 और ये जैसी एलेवन पॉइंट पर आता है ये वैल्यू 10.54 से बड़ी हो जाती है और ये सीक्वेंस आपका यहाँ पर रुक जाएगा और अंतिम वैल्यू आपकी 10.23 आएगी तो आप ये देख सकते हैं कि इन दोनों उदाहरण में जो भी आप की अंतिम वैल्यू आ रही है टेन पॉइंट टू थ्री और टेन और आपकी अंतिम वैल्यू क्या थी टेन पॉइंट फाइव फोर जो आप चाहते थे दोनों में अंतर है उसी प्रकार से पहले उदाहरण में आप चाहते थे कि आपकी वैल्यू टेन तक जाए लेकिन जो अंतिम वैल्यू कितनी आई नाइन पॉइंट टू थ्री है इसमें भी अंतर है तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान देनी है कि किस प्रकार से ये कार्य कर रहा है इसी उदाहरण को अब हम आगे बढ़ाते हैं और हम यहाँ पे जो पहली वैल्यू हम लेते हैं 10.54 और जो हमारी अंतिम वैल्यू होनी चाहिए 2.23 ऐसा हम एक कोई सीक्वेंस जनरेट करना चाहते हैं तो देखिए इसमें क्या होगा 10.54 से आरंभ किया 9.54 9.54 से 8.54 8.54 से 7.54 और इस तरह से ये आगे बढ़ता जाएगा फाइनली आएगा थ्री उसके बाद टू और उसके बाद ये आ जाएगा वन अब देखिए जैसे ये 1.54 आया आप ये चाहते थे सीक्वेंस की 2.23 के आगे ना जाए ये उससे कम हो गया तो ये यहीं पे 2.54 पर इस सीक्वेंस को रोक देगा और ये आपका यहीं पर रुक जाएगा तो ये जो ऑपरेशन है ये आपको ध्यान देना है और यही ऑपरेशन अगर हम इसमें से कोई भी नेगेटिव वैल्यू भी अगर हम लेंगे तो भी ऐसे ही कार्य करेगा जैसे कि अगर हम यहाँ पे ले लें ले, एक सीक्वेंस माइनस वन से लेकर के माइनस तक तो देखिए ये कैसे कार्य करेगा माइनस वन पॉइंट टू थ्री माइनस टू पॉइंट टू थ्री माइनस थ्री पॉइंट टू थ्री इत्यादि करता करता ये आगे आएगा फाइनली ये माइनस एट पॉइंट टू थ्री से लेकर के माइनस नाइन पॉइंट टू थ्री तक आएगा उसके बाद ये हो जाएगा माइनस टेन पॉइंट टू थ्री लेकिन आप सीक्वेंस चाहते हैं खाली माइनस टेन तक तो यह यहाँ पर रुक जाएगा और इसी प्रकार से आप अगर यहाँ पर जो भी फ्रॉम और टू में से आप अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव वैल्यू लेते हैं तो भी कार्य करेगा देखिए जैसे मैंने यहाँ पे एक सीक्वेंस लिया जो हमारा आरंभ होगा माइनस फाइव पॉइंट टू थ्री से और ये पे खत्म होगा सिक्स पर जो हमारी पॉजिटिव वैल्यू प्लस सिक्स तो देखिए ये हमारा सीक्वेंस कैसे कार्य करेगा ये हमारा माइनस फाइव पॉइंट टू थ्री से स्टार्ट करेगा फिर ये माइनस फोर 0.23 पर आएगा फिर ये माइनस थ्री पर आएगा और करते करते ये आपका देखिए माइनस पॉइंट टू थ्री से फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा जीरो पॉइंट सेवन सेवन और उसके बाद में फाइनली फिर ये वन पॉइंट सेवन सेवन टू पॉइंट सेवन सेवन थ्री पॉइंट सेवन सेवन फोर पॉइंट सेवन सेवन और फाइव पॉइंट सेवन सेवन और इसके आगे इसको आना चाहिए सिक्स पॉइंट सेवन सेवन लेकिन जो आपने यहाँ पर अंतिम वैल्यू दी है ये दी हुई है सिक्स तो ये सिक्स पॉइंट सेवन सेवन छः से ज़्यादा हो गया तो ये यहीं पर रुक जाएगा तो चलिए जरा सा इन उदाहरण को भी हम आपको यहाँ पे करके दिखाते हैं और ये देखिए आपका इसका, इसका स्क्रीन शॉट है राइट right. तो चलिए पहले इसको हम आर सॉफ्टवेयर में करके देखते हैं अब देखिए मैंने वैल्यू ली माइनस वन पॉइंट टू थ्री से लेकर के सपोज माइनस सेवन पॉइंट नाइन एट अब देखिए ये इसमें से दोनों वैल्यूज मैंने निगेटिव ली हैं तो भी देखिए ये हमारा कार्य कर रहा है और ये माइनस सेवन पॉइंट टू थ्री पर आकर के रुक जाएगा उसी तरह से इसमें से अगर हम मान लीजिए अगर हम खाली जो आराम की वैल्यू है माइनस वन पॉइंट टू थ्री इसको निगेटिव लेते हैं और दूसरी वैल्यू को पॉजिटिव लेते हैं तो भी देखिए हमारा कार करेगा माइनस वन पॉइंट टू थ्री इससे माइनस पॉइंट टू थ्री फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा और फिर ये हमारा इसी प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा अब इसी में अगर हम फ्रॉम को अगर हम पॉजिटिव कर दें वन पॉइंट टू थ्री से लेकर के माइनस सेवन पॉइंट नाइन एट तक तो भी देखिए कार्य करेगा 1.23, 0.23 और उसके बाद ये निगेटिव हो जाएगा और ये आगे आ के आपको सीक्वेंस पकड़ा देगा अब इसी में अगर हम मान लीजिए कि अगर हम कहें कि इस नंबर को अगर हम मान लीजिए वन से टेन तक करते हैं राइट तो तो इसमें देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं ये आपका 9.23 पर आ करके सीक्वेंस रुक जाएगा और अगर हम इसी को अगर हम टेन से 1.23 पर करेंगे तो देखें क्या होता है देखिए ये नंबर आपको दस नौ आठ सात करके ऐसे दिखाई पड़ जाएगा राइट right. उसी प्रकार से अगर इसमें से आप अगर कोई अगर माइनस वैल्यू भी लेते हैं तो जैसे कि अगर यहां पे वन पॉइंट टू थ्री से माइनस टेन कर दें तो भी देखिए कार कर जाएगा ये राइट right. और अगर हम इसी में अगर हम पहली वैल्यू को भी अगर हम नेगेटिव कर दें और दूसरी वैल्यू को इंटीजर रखते हैं तो भी देखिए कार कर जाएगा ये आपको सीक्वेंस दे देगा अब ये जो भी देखिए वैल्यूज़ आ रही हैं इसके पीछे जो लॉजिक है गणित है वो तो मैंने आपको समझा दी है तो ये उन्हीं नियमों का पालन करते हुए ये यह आपको यहाँ पर आपको आउटकम देता रहेगा राइट अब हम यहाँ पर आपको एक और आस्पेक्ट के बारे में बताना चाहेंगे कि अगर हम अपना कमांड लिखते हैं जैसे मैंने लिखा एस ई क्यू और पैरेंथिस में लिख दिया टेन तो ये जो आपको आउटकम देगा ये इस प्रकार से दे देगा एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस और अगर इसी कमान को अगर हम ऐसे भी लिख दें कार को करने के लिए अगर हम लिखें एस ई क्यू और पैरेंटेस में लिख दें वन वल एन टेन तो ये भी आपको वन टू थ्री फोर अप टू टेन तक का जो वैल्यूज़ हैं सारी सारी वैल्यूज़ दे देगा दे और ये देखिए वही काम तो कर रहा है जो आप पहले करते थे सीक्वेंस फ्रॉम इक्वल टू वन एंड टू इक्वल टू टेन राइट right. तो मैं आपको खाली ये बताना चाहता था कि ये आपको कमांड एक ही आउटकम देगा अब ये आपका फ़ैसला होता है कि अपनी प्रोग्रामिंग करते समय आप वहाँ पे किस कंटेक्स को यूज़ करना चाहेंगे ओके okay, अब इसके बाद हम आपको एक और एस्पेक्ट के बारे में बताना चाहेंगे कि ये जो हमारा सीक्वेंस कमांड है एस इसके अंदर जो भी हमारा ये जो फ्राम टू बाई इत्यादि है अभी तक मैंने इसको कोई एक फ़िक्स वैल्यू दी है फ़िक्स नंबर दिया है लेकिन हम इसको वेरिएबल की वैल्यू भी कह सकते हैं अर्थात हम इसको वेरिएबल के फॉर्म में डिफ़ाइन कर सकते हैं और जो हमारा आउटकम आएगा उसके लिए हमको इनपुट वेरिएबल बाहर से देना पड़ेगा जैसे देखिए मैंने यहाँ पे एक उदाहरण लिया जहाँ पर मैंने लिखा x इक्वल टू टू और यहाँ पर मैंने लिखा सीक्वेंस एस सी क्यू और पहले में लिख दिया वन x x ऑब्लिक टेन तो जैसा मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कभी अपने एस सी क्यू कमांड में पैरेंथिस के अंदर अगर हम तीन वैल्यूज़ को लिखते हैं तो ये इसका डिफॉल्ट ऑप्शन होता है कि जो पहले स्थान पर वैल्यू लिखी गई है ये उसको मानेगा फ्रॉम दूसरे स्थान पर जो वैल्यू लिखी गई इसको मानेगा टू और तीसरे स्थान पर जो वैल्यू लिखी गई है इसको मानेगा बाय राइट ये इसका एक शॉर्ट फॉर्म होता है तो जब हम यहाँ पे इस तरह का कमाल लिखेंगे तो ये बेसिकली हमारा है क्या ये हमारा सीक्वेंस वन और देखिए जो यहां पे आपका बाई है ये आपका टू पॉइंट हो जाएगा राइट right. इसीलिए आपका देखिए वैल्यू जो है one से स्टार्ट होगी वन वन पॉइंट टू वन पॉइंट फोर वन पॉइंट सिक्स करके टू तक आ जाएगी उसी प्रकार से अगर आप यहां पे लेते हैं एक्सिकल टू फाइव जीरो फिफ्टी पचास और यहाँ पे लेते हैं सीक्वेंस कमान एस क्यू और ये आपका फ्रॉम है ज़ीरो टू है अप टू एक्स और जो बाई आपका क्या है एक्स अपॉन टेन तो ये क्या कमांड हो गया सीक्वेंस जीरो से आरम होगा पचास पे ख़त्म होगा और जो बाई आपका होगा ये आपका क्या होगा फिफ्टी अपॉन टेन अर्थात पाँच तो देखिए ये ज़ीरो से शुरू कर रहा है ज़ीरो पाँच दस पंद्रह और ये पचास पे के ख़त्म हो जाएगा तो यही कार्य तो मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि देखिए कि अगर आप उसको वेरिएबल के द्वारा भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और ये जो कॉन्सेप्ट होता है ये जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे तो ये आप बहुत आपकी सहायता करेगा राइट जैसे देखिए मैंने आपको यहाँ पे एक और उदाहरण लिया है कि यहाँ पर मैंने एक एक्स का सीक्वेंस ले लिया है जहाँ पर हमने लिया सीक्वेंस वन से लेके पचास तक और इसमें से बाई होगा वन अपॉइंट टू इस उदाहरण के द्वारा हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि सीक्वेंस का जो भी हमारी वैल्यूज़ होती हैं उनको हम किसी एक वेरिएबल के अंदर भी स्टोर कर सकते हैं तो यहाँ पे यह भी हमारा जो भी सीक्वेंस होगा जो एक से शुरू होगा और पचास तक आएगा और जिसमें ज़ीरो पॉइंट फाइव का इंक्रीमेंट होगा ये वैल्यूज़ हमारी देखिए एक्स के अंदर स्टोर हो जाएंगी और एक्स के बाद हम अगर एक्स के ऊपर कोई भी अगर हम ऑपरेशन करना चाहेंगे तो उसको हम बहुत आसानी से यहाँ पर कर सकते हैं जैसे कि अगर मैंने कहा कि मुझको एक्स की हर एक वैल्यू को दो से मल्टीप्लाई करना है तो मैंने यहाँ पे एक नया वेरिएबल डिफाइन कर दिया y इक्वल टू टू एक्स और आप देखेंगे ये जो y की वैल्यू आ गई ये देखिए आपकी ये आ गई अब आप देखेंगे अगर तो एक्स में आपकी पहली वैल्यू क्या थी वन और y की पहली वैल्यू क्या है टू अर्थात में वन में मैंने दो का मल्टीप्लाई कर दिया है उसी प्रकार से आप अगर देखेंगे आपकी ये वैल्यू है टू पॉइंट फाइव और यहाँ पर वैल्यू है पाँच आप अगर देखेंगे जो आपकी जो आपकी फोर्थ वैल्यू आई है ये चौथी वैल्यू आपकी है फोर्थ वैल्यू एक्स और वाई में आप देखेंगे कि टू पॉइंट फाइव को जब दो से मल्टीप्लाई किया तो ये पाँच तो हो गया उसी प्रकार से आप अगर अंतिम वैल्यू को देंगे देखेंगे तो एक्स की अंतिम वैल्यू कितनी है पचास और जिसको हम दो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई की वो हमारी अंतिम वैल्यू बच जाएगी सौ तो अब आपने देखा कि हम अपने जो सीक्वेंस के जो हमारे आउटकम्स होते हैं हमने जितने भी ऑपरेशन अभी तक किए हैं सभी को हम एक वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं और उसको बाद में रिकॉल कर सकते हैं और उसके ऊपर अपने मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं तो ये जो हमारा कॉन्सेप्ट होता है ये जो हमारा कार्य होता है हम जब आगे प्रोग्रामिंग करेंगे तो उसमें हमको बहुत ही काम आएगा राइट और देखिए ये आपका इसका आउटकम भी है तो चलिए पहले हम आपको इन चीज़ों को आर में करके दिखा देते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं तो सबसे पहले तो हम आपको ये दिखा दें कि जैसे कि आपका कमांड होता है सीक्वेंस टेन देखिए यह आपको आउटकम देगा एक से दस तक के नंबर और इसी में आप अगर कर देंगे सीक्वेंस वन ओलन टेन तो देखिए ये आपको ये भी आपको वही कमांड देगा आ, ये वही कमांड है जहाँ से आपको एक से दस तक के आउटकम मिल जाएंगे और इसी कमांड को आप अगर ऐसे लिखेंगे फ्रॉम से वन टू है टेन राइट right. तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा एक से दस तक के तो देखिए आपको वही वैल्यू देगा जो मैंने आपको दिखाई है अभी इसके बाद में अब अगर हम मानिए कोई एक्स की वैल्यू वैल्यूते हैं दस और हम यहाँ पे एक कमान दिखाते हैं सीक्वेंस और हमने कह दिया कि ये हमारा एक से शुरू होगा और ये एक्स तक आएगा और इसमें से जो हमारा इसका इंक्रीमेंट होगा वो हमारा सपोज कि एक्स डिवाइडेड बाई टू होगा इसका मतलब क्या हो गया ये कमांड आपका इसमें से वैल्यू आपकी वन से शुरू होगी और एक्स तक आएगी जहाँ पर एक्स की वैल्यू हमने बाहर दी है और इसका जो इंक्रीमेंट होगा ये एक्स बाई टू होगा तो देखिए क्या वैल्यू आई तो आपने कहा कि इंक्रीमेंट होगा एक्स अपॉन टू अर्थात दस अपॉन दो अर्थात पाँच तो पहली वैल्यू आ गई वन फिर अगली वैल्यू आ गई सिक्स राइट तो उसी तरीके से आप अगर यहाँ पर अगर आप इसका अगर आउटकम भी आप अगर यहाँ पे स्टोर करना चाहते हैं जैसे कि मैंने कह दिया एक्स हमारा एक ऐसा सीक्वेंस है जिसमें हमारे पास एक से लेकर के बीस तक की वैल्यूज़ हैं तो देखिए एक्स की वैल्यू क्या आ गई एक से बीस तक की अब हमने एक नया वेरिएबल डिफ़ाइन कर दिया जिसमें से मैंने एक्स की हर एक वैल्यू को मैंने तीन से मल्टीप्लाई कर दिया तो देखिए वाई की वैल्यू क्या आ गई हर जो पहली वैल्यू थी वन ये हो गई तीन और जो अंतिम वैल्यू थी बीस ये आपकी हो गई साठ राइट और इसी में आप अगर एक्स प्लस वाई भी करेंगे आप अगर तो भी देखिए आपको उत्तर मिल जाएगा वन और थ्री दोनों एड हो करके क्या हो जाएगा चार दो और छ मिल के हो जाएगा आठ इत्यादि तो इस तरह के देखिए ऑपरेशन आप बहुत आसानी से अपने आर सॉफ्टवेयर में कर सकते हैं ओके okay, तो अब हम आपको एक और चीज़ के बारे में बताएंगे जो हमारा होता है इंडेक्स वेक्टर अब सवाल आता है कि आपका ये इंडेक्स वेक्टर क्या है आपने कभी अपनी किताब में देखा है जैसी आप किताब को आरंभ करते हैं पगला उसमें पहले होता है होता है इंडेक्स वहाँ पे क्या दिया होता है उसमें से पहले ए, दिया होगा एक दो तीन चार करके उसके आगे उसका टाइटल लिखा होगा कि चैप्टर वन चैप्टर टू चैप्टर थ्री इत्यादि और उसके बाद में उसका जो पेज का नंबर है वो लिखा होगा पृष्ठ संख्या लिखी होगी जैसे लिखा हुआ है चैप्टर वन के आगे लिखा हुआ है दस और चैप्टर टू के आगे लिखा हुआ है बीस इसका मतलब क्या हुआ कि जो चैप्टर वन हमारा पृष्ठ संख्या दस पे है और जो चैप्टर टू हमारा पृष्ठ संख्या ट्वेंटी पर है बीस पे है उससे क्या हमको एडवांटेज होता है कि अगर हमको डायरेक्टली अपने चैप्टर दो में जाना है तो हम बीस नंबर पेज को खोलेंगे और वहाँ पर आ जाएंगे अब यही काम हम अपना आर सॉफ्टवेयर के अंदर भी कर सकते हैं और उसको किस प्रकार से किया जाए तो हमारे पास यहाँ पे दो कार्य हैं पहली बात तो अगर मुझे कोई डेटा वेक्टर दिया हुआ है तो उसका इंडेक्स वेक्टर किस प्रकार से तैयार किया जाए और दूसरा कार्य होगा कि जब अगर हमको इंडेक्स वेक्टर कोई अगर बता देता है तो उसके द्वारा हमारे उस डेटा वेक्टर में क्या वैल्यू है अर्थात उस इंडेक्स वेक्टर की किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर हमारी डेटा वेक्टर में क्या वैल्यू है यह मैं देखना चाहूँगा राइट right. ओके okay, तो इसको हम चलिए एक उदाहरण के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करते हैं एक मैंने यहाँ पे एक डेटा सेट ले लिया जिसके अंदर खाली हमारी चार वैल्यू हैं एक्स इज़ इक्वल टू नाइन एट सेवन सिक्स अब देखिए ये जो हमारी वैल्यूज़ हैं नाइन एट सेवन सिक्स इनको हम एक जगह पर बैठा देते हैं तो नाइन हमारी कहाँ पर है मैंने इसमें एक इनके ब्लॉक्स बना दिए तो नाइन आपकी जो किस जगह पर बैठी हुई है पोजीशन नंबर वन पे आठ कहाँ बैठा हुआ है पोजीशन नंबर टू पर ये सेवन कहाँ बैठा हुआ है पोजीशन नंबर थ्री पर और सिक्स कहाँ बैठा हुआ है पोजीशन नंबर वन पर तो ये जो पोजीशन का हमारा डेटा वेक्टर बनेगा इसको हम बोलते हैं इंडेक्स वेक्टर राइट इससे हमको क्या एडवांटेज है कि अगर मुझे कोई ये बता दे कि पोजीशन नंबर तीन पे पे है? कौन बैठा है अगर मुझे ऐसा निकालना है तो हम यहाँ पे देखेंगे प्वि नंबर तीन पे कौन बैठा हुआ है और हम वापस आएंगे मैं बोल दूंगा यहाँ पे सात नंबर है राइट right. तो इस तरह का इंडेक्स नंबर क्रिएट करने के लिए हमारे पास हम इस तरह का कार्य करते हैं हम लिखते हैं यहाँ पे सीक्वेंस ए सी क्यू और पैरेंथिस में हम एक हमारा कमांड होता है अलॉन्ग इक्वल टू एक्स ये जो अलॉन्ग वाला कमांड है जिसको मैंने लोअर केस अल्फ़ाबेट्स में लिखा हुआ है इसको हम इस्तेमाल करेंगे और यहाँ पे कह देंगे एक्स अर्थात एक्स के साथ साथ चल करके इसका इंडेक्स वेक्टर बनाओ तो ये मुझको देखिए इसका जो भी आउटकम है इसको मैंने आई एन डी वैक्टर में स्टोर किया हुआ है और ये मैंने यहाँ पे जब इसका आउटकम देखा तो ये इस प्रकार से आ गया वन टू थ्री फोर तो इसका मतलब क्या हुआ पहली पोजीशन पे कौन सा नंबर है नौ और दूसरी पोजीशन पे कौन सा नंबर है आठ तीसरी पोजीशन पर कौन सा नंबर है सात और फोर्थ वैल्यू पर फोर्थ पोजीशन पर कौन सा नंबर है छः तो ये देखिए आपका इंडेक्स वेक्टर बन गया अब अगर मुझे कोई ये बताए कि इंडेक्स नंबर पर, पर जो थर्ड पोजीशन या दूसरी पोजीशन है वहाँ पर कौन सी वैल्यू है तो चलिए हम इसको भी समझने की कोशिश करते हैं कि अगर हमको इंडेक्स वेक्टर मालूम हो जाता है तो उस इंडेक्स वेक्टर के करस्पॉन्डिंग जो हमारा डेटा वेक्टर है वहाँ पर कौन सी वैल्यू है इसको किस प्रकार से निकाला जाए तो देखिए सबसे पहला काम तो हमको ये होता है कि हम स्क्वायर ब्रैकेट में अपने उस इंडेक्स वेक्टर की वैल्यू को लिखें जिसके करस्पॉन्डिंग हम अपने डेटा वेक्टर में वैल्यू को जानना चाहते हैं तो उदाहरण के लिए हम ये जानना चाहते हैं कि इंडेक्स वेक्टर में दो नंबर पोजिशन पर कौन सा वैल्यू है तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे आई एन डी जो भी हमारा इंडेक्स वैक्टर का मैंने नाम दिया है और यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देंगे टू इसके बाद में हम यहाँ पे जो भी हमारा डेटा वेक्टर है जिसके अंदर हम ये चाहते हैं कि आ, जो भी दूसरी पोजिशन पर कौन सी वैल्यू है उसको हम लिख देंगे तो हम कुछ हम ऐसा लिखेंगे एक्स स्क्वायर ब्रैकेट उसके अंदर हम जो भी हमारा इंडेक्स वेक्टर है उसको लिखेंगे और उसके अंदर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उसकी जो लोकेशन है पोजीशन है उसको लिखेंगे तो देखिए आपको क्या दे देगा उत्तर आठ तो उसने क्या किया कि उसने इन, आई एंड डी और टू की पोजीशन पर कौन सी वैल्यू है आपकी है टू और ये इसके आगे आया कि टू में एक्स पर कौन सी वैल्यू है वो है आपकी आठ ये उसने आपको दे दी तो देखिए इस प्रकार से ये हमको बहुत सहायता करता है जब भी हम कभी आगे प्रोग्रामिंग करेंगे ओके अब मैं आपको एक छोटा सा कमांड और बताना चाहूँगा और उसके द्वारा हम आपको अगले लेक्चर में जिस प्रकार से मैंने नंबर्स के अपने सीक्वेंस तैयार किए उसी प्रकार से हम अपने जो तारीखें होती हैं डेट्स उसके हम सीक्वेंस तैयार करने की कोशिश करेंगे जो हमारे मंथली होंगे डेली होंगे डे वाइज़ होंगे मंथ वाइज़ होंगे ईयर वाइज होंगे एसेट्रा तो उसके लिए चलिए हमको पहले ये बता दें कि हमारे पास आर सॉफ़्टवेयर में जो भी हमारा अभी का करंट समय और तारीख़ है उसको निकालने का एक प्रोविज़न होता है तो अभी का जो समय और डेट है उसको निकालने के लिए मेरा कमांड होता है एस वाई एस डॉट टाइम अब आपको यहाँ ध्यान देना है कि ये जो एस है पहला वाला ये हमारे कैपिटल लेटर्स में है और उसके बाद जितने भी लेटर्स हैं वो हमारे लोअर केस में हैं तो एस वाई एस डॉट टी आई एम ई और पैरेंथेसिस में आपको कुछ नहीं लिखना है तो ये हमको जो भी अभी हमारे जिस कंप्यूटर पे हम काम कर रहे हैं वहाँ पे जो भी टाइम और डेट है ये मुझे बता देगी राइट right, तो जैसे देखिए मैंने यहाँ पे किया सिस डॉट टाइम और यहाँ पे मैंने लिख दिया पैरेंथेसिस तो इसने इसने मुझे यहाँ पर बता दिया आज का ईयर दू, दूसरी वैल्यू है ये है मंथ और तीसरी वैल्यू क्या है डेट तो आज से आपकी डेट क्या हो गई उनतीस नवंबर और बीस ट्वेंटी ट्वेंटी वन और समय क्या है ये आपका हो गया आवर ये हो गया मिनट और ये आपका हो गया सेकेंड तो ये क्या हो गया इक्कीस बज के इक्कीस मिनट और सत्तावन सेकेंड लेकिन यह समय कब का है यह समय तब का है जब मैंने आपकी ये स्लाइड तैयार करी थी आप अगर अभी का समय देखेंगे जब मैं इस कोर्स की रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ या आप अपने कंप्यूटर पे जब इस कोर्स को देख रहे हैं तब का समय देखेंगे तो वह से अलग आएगा राइट right. उसी प्रकार से आप अगर यहाँ पे खाली डेट को देखना चाहते हैं तो उसका कमांड नंबर होता है सिस डॉट डेट और यहाँ भी हमारा जो एस है पहला ये हमारा कैपिटल कंकेटर्स में होगा एस वाई एस और जो डेट का डी है ये भी हमारा कैपिटल कंकटर में होगा ये आपको ध्यान देना है और बाकी सभी हमारे लोअर केस में होंगे तो हम लिख देंगे सिस डॉट डेट और यहाँ पे दे देंगे पैरेंथेसिस तो ये हमको आज हमारे कंप्यूटर में जो डेट चल रही है उसके बारे में बता देगा तो देखिए जब हम इसको आर सॉफ्टवेयर में करते हैं तो जब मैंने अपनी स्लाइड तैयार करी थी उस वक्त जो हमारा आ रहा था वो कुछ इस प्रकार का था कि सिस डॉट डेट जब मैंने एग्जीक्यूट किया तो ये उसने ट्वेंटी ट्वेंटी वन एलेवन ट्वेंटी नाइन अर्थात उसने हमको ट्वेंटी नाइन्थ नवम्बर ट्वेंटी ट्वेंटी वन की तारीख बता दी तो देखिए ये जो हमारा टाइम और डेट के कमांड होते हैं ये बहुत ही आवश्यक होते हैं और बहुत ही यूज़फुल होते हैं जब हम कहीं भी अपने ए, किसी प्रोग्राम की रिपोर्ट को जनरेट करना चाहते हैं अगर हमारे ऑफिस में कई लोग कार्य कर रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि किस इंसान ने कब हमारी ये रिपोर्ट जनरेट करी है तो हम ये वाला कमांड दे देंगे और जब भी उसने रिपोर्ट जनरेट करी होगी उसका टाइम और डेट अपने आप से उसमें प्रिंट हो जाएगा राइट तो चलिए अब हम आपको जरा सा इन चीज़ों को हम आपको इन जो कमांड्स मैंने किए हैं इसको हम आपको जरा सा आर सॉफ्टवेयर में भी करके दिखाते हैं तो देखिए पहले तो हम आपको जो यहाँ पर हमारा आ, ये वाला एक कमांड था यहाँ पर हमने इंडेक्स वेक्टर को तैयार किया था उसको आपको दिखाएंगे राइट right. तो सबसे पहले चलिए हमें कोई भी यहाँ पे एक हम डेटा तैयार कर लेते हैं सी से उन्नीस 12 से दस और से आठ राइट अब इसमें से मैंने अपना जो भी इंडेक्स वेक्टर तैयार किया तो देखिए ये आ गया इंडेक्स वेक्टर की क्या वैल्यू आ गई वन टू थ्री फोर ये तो हरदम वन टू थ्री फोर ही होगा अब हमको यहाँ पर निकालना है अगर हम देखें कि इंडेक्स में जो पोजिशन नंबर टू पर क्या लिखा हुआ है तो हम कह देंगे आई एन डी टू इसने हमको वैल्यू दे दी टू क्योंकि तो यहाँ पे दो लिखा हुआ है अब लेकिन हमको निकालना है कि जो इंडेक्स वेक्टर में दूसरी पोजीशन पर जो भी इंडेक्स है उसके करस्पॉन्डिंग एक्स डेटा वेक्टर में क्या वैल्यू दी है तो देखिए मैंने कर दिया यहाँ पे एक्स और स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया आई एन डी और स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दिया टू तो यहाँ सिस्टम को दे दिया बारह ये बारह क्या है ये दूसरी पोजिशन पर जो एक्स वैक्टर में दूसरी पोजिशन पर वैल्यू है यह वह वैल्यू है बारह राइट right. तो चलिए अब हम इस लेक्चर में यहाँ पर रुकते हैं और आप देखेंगे कि ये बहुत ही आसान सा लेक्चर था लेकिन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात मेरे लिए ये है कि आप ये समझिए कि ये हमारे जो फंक्शंस हैं कमांड्स हैं किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं अब आपको कोई अगर सीक्वेंस जनरेट करना है तो उसमें से आप वहाँ पे ए सी क्यू कमान का यूज़ करते हैं कोलन कमान का यूज़ करते हैं या कुछ और करते हैं यह आपका फ़ैसला है आपको देखना है कि वह कार्य जो हमको करना है जिसकी प्रोग्रामिंग करनी है वो किस प्रकार से आसानी से हो सकता है अगर आपको उसमें इंक्रीमेंट अपनी इच्छा से करने हैं दैन तो आपको सीक्वेंस कमान को ही यूज़ करना पड़ेगा और उसी तरह से मैंने आपको ये जो टाइम और डेट को देखने के लिए कमांड बताए हैं ये आपको जब भी आप कभी आगे प्रोग्रामिंग करोगे आपको अगर ये भी पता करना है कि आपने प्रोग्राम ये कब एग्जीक्यूट किया था तो आप अपने प्रोग्राम के अंदर आप इन कमांड्स को लिख सकते हैं और अगले टाइम पर हम आपको दिखाएंगे कि हम अपने भिन्न भिन्न तरीके के हमारे और भी सीक्वेंस होते हैं टाइम के डेट के अल्फ़ाब के इत्यादि उनको किस प्रकार से जनरेट किया जाए लेकिन उसके पहले ये बहुत आवश्यक है कि आप इन कमांड्स की जिसके बारे में हमने आज बात करी है आप इनकी प्रैक्टिस करिए छोटे छोटे उदाहरण लीजिए और उनको आर सॉफ्टवेयर में करके अवश्य देखिए जब तक आप अपने को अपने हाथ से नहीं करेंगे आपको कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो आप इनकी प्रैक्टिस करिए और हम आपको अगले लेक्चर में सीक्वेंस के बारे में कुछ और बताएंगे। तब तक के लिए गुड बाय